जेटली जी का बजट है, इधर महेंद्र सिंह धोनी की टीम है जो 44 रनों में 5 विकेट झटक चुकी है यूएई के। पता नहीं बल्लेबाज कुछ बनाने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज बल्लेबाजी अरुण जेटली की कैसी हुई है उस पर चर्चा। सेंसेक्स बाजार गिर गया है, अगर बाजार को बैरोमीटर माना जाता है तो वो गिरा है। दूसरी बड़ी बात, लेकिन एक चीज नजर आई जो रेल बजट से लेकर अभी तक आम बजट में आई है चीजें, सरकार एक फैक्ट समझ रही है कि जमीन पे रहिए और वादे इस तरीके से मत कीजिए जो कि पूरा करने के लिए जनता जो है कल से प्रवोक करने लगे। आपने ये क्या किया, मिडिल क्लास को शांत किया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो नया सवाल है वो है कि पैसा आपकी जेब में है तो आप बाजार में जाएं, पैसा खर्च करें, बाजार का सामान आप लेंगे उससे शायद हो सकता है उस दिशा में डिमांड बढ़ जाए। लेकिन इन सब के साथ एक जो हम लगातार बात कर रहे हैं, कंज्यूमर को उसकी घेरे को बड़ा बनाने की भी एक कोशिश की जा रही है, वो दायरा बड़ा हो जाए कंज्यूमर का, इस दिशा में लेकर शायद ग्रामीण भारत और उस भारत को भी जोड़ने की कोशिश उस बाजार से हो रही है जो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जुड़ रहा था। क्या इस बात को अलग साहब हम क्रॉस कर रहे हैं, हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखिए एक चीज मैं इनसे पूछ रहा हूँ, और जो हमने सुना था अगर वो करेक्ट है, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, वो एग्जेम्पशन लिमिट कोई 3.9 लाख था पहले, अब उन्होंने कहा 4.4। एक सेकंड भाई साहब, जो अगर मैं इनकरेक्ट हूँ, जो मैंने सुना कि वो ये बढ़ाते जाएंगे हर साल, तो अभी जो 50,000 रुपीस जो एक्स्ट्रा आपके पास आया है, मतलब 4,000 रुपए महीना, और अगर सब कुछ ऐड करें तो आपके हाथ में ऑलमोस्ट 5,000 रुपीस अ मंथ एग्जेम्पशन लिमिट आ गया अगर आप बाकी देख लें। तो अगर टैक्स रेट नहीं चेंज हुआ है और आपके पास 5,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा आ गया है तो आप खर्च करेंगे ना। अगर मैं गलत हूं इसमें तो दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि अभी मैं 4.4 पे लेके जा रहा हूं और हर साल मैं बढ़ाता जाऊंगा एग्जेम्पशन जी। तो टैक्स रेट ठीक है, आपके टैक्स रेट घटाएं या बढ़ाएं क्या फर्क पड़ता है, आपके हाथ में कितना पैसा है, बढ़ रहा है। एक मिनट, हाँ, ये क्या कंज्यूमर बेस बजट देखा जा रहा है, एक लहजा ये भी आ रहा है। देखिए एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू IMA ऑल्सो, कि जहाँ तक हेल्थ का तल्लक है, इसके अंदर कुछ भी बजट के अंदर हेल्थ ने जैसे हर साल बैक सीट लेती रही है हेल्थ, इस बार भी हेल्थ को बैक सीट पर रखा गया है। यू विल बी सरप्राइज्ड के जो हमारा GDP का मात्र 1% जो है हेल्थ के ऊपर व्यय होता है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में 10-15% होता है। इस बार भी हम डॉक्टर्स भी और आम सिटीजन भी सोच रहे थे कि हेल्थ के ऊपर ये कम से कम बढ़ा के 3 होना चाहिए, जबकि WHO कहती है 10 होना चाहिए। तो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना वैसे भी बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि लोग ऑफिसेज में ज़्यादा जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। डेफिनेटली हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है, इंश्योरेंस की एग्जम्पशन बढ़ा दी गई है 15,000 से 25,000, कुछ लोकलाइज्ड काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन हेल्थ के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे इतने डिजास्टर्स आते हैं उनको कोई बजट नहीं है, एकदम से स्वाइन फ्लू आ गया, एकदम से डेंगू आ गया, उसका कोई बजट कहीं पे एलोकेटेड नहीं है। रूरल हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, हेल्थ फॉर ऑल पुअर पीपल के लिए, इंश्योरेंस के लिए कुछ नहीं है। डेफिनेटली ये एग्जम्पशन को बढ़ाने से मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हेल्थ पॉलिसीज लेंगे, कुछ ये कदम ठीक है। योगा को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दिया गया है, वो भी एक थोड़ा अच्छा है क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस कम होगी, लेकिन हेल्थ एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि एक भी कदम आगे बढ़ाया गया है या नहीं, स्थिति वहीं की वहीं? नहीं, स्थिति वहीं की वहीं है, हेल्थ को डेफिनेटली बैक सीट पर रखा गया है और छोटी छोटी लोकलाइज कुछ चीज़ें हुई हैं। डेफिनेटली कुछ एनकरेजिंग स्टेप्स हैं, जैसे एम्स को अरुणाचल जैसी जगह पर जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, या जम्मू एंड कश्मीर में या पंजाब में, इन सब जगहों पर खोला जाएगा, ये सब चीज़ें ठीक हैं। सीनियर सिटीजन्स को भी कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन अगर हम फिर भी बात की जाए तो सीनियर सिटीजन्स अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ले तो कितनी है, हमारे देश के अंदर 42% तो 18 साल से छोटे लोग हैं, बच्चे हैं वो हैं, तो चाइल्ड हेल्थ के ऊपर 5 लाख बच्चे तो डायरिया से मर जाते हैं। तो देर आर सो मेनी इश्यूज हेल्थ के जो कि मेरे ख्याल से एड्रेस नहीं हुए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का एक सवाल हर जहन में होगा, चूँकि जिस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे वो भी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ गए थे, उसके बाद वो भी बड़े अपने आप को महसूस कर रहे थे, कुछ कर नहीं पाए, अमेरिका में भी इसको लेकर बड़ा सवाल हुआ। सवाल है कि हेल्थ सर्विसेज को लेकर
क्या वाकई स्टेट जो है वो चिंता में है या उसको लगता है? भारत जैसे देश में तो नहीं लगता है। आपने स्वाइन फ्लू का अच्छा जिक्र कर दिया, 1000 का आंकड़ा पार कर गया और कल ही बयान संयोग से हेल्थ मिनिस्टर का आया, हमारे पास सिर्फ 21 लैब हैं और हमको एजुकेट पैसा नहीं है। तो इसी चीज पे मैं आ रहा था, जैसे स्वाइन फ्लू भी होता है तो इमीडिएटली होता है उसकी दवाई, उसकी वैक्सीन, क्योंकि हर चीज के ऊपर पैसा खर्चा जाएगा और सबसे बड़ी चीज है उसकी हेल्थ एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस, प्रिवेंटिव साइंस के लिए, प्रिवेंटिव साइंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके लिए बजट नहीं है। जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बताई है कि मात्र डायरिया से, दस्तों से, जो कि बड़ी एक इलाज वाली बीमारी है, 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है, इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मदर्स ORS देने लग जाएं या इमीडिएटली, तो प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए बजट नहीं है, डिजास्टर्स हेल्थ के लिए बजट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को एनकरेज करना चाहिए। सरकारी अस्पताल जो है वो इतना लोड ले नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक को लाके, और इन हर चीज के अंदर पैसे की आवश्यकता है। जब तक कि पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा तो कुछ होगा नहीं, नहीं ये बेसिक्स की लड़ाई है। हम जोड़ना यहाँ चाहते हूँ कि देखिए ये जो जनधन योजना जो हम लैटिन अमेरिका से, ब्राजील से खास करके जो बोरो करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इन राष्ट्रों में लोकल स्तर पे पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन की जो व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत हाई ऑर्डर का है। हम अपने यहाँ कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव रिस्पॉन्स, सरकार जो है वो केवल कितना कहाँ से आए, घाटों नफों की सरकार नहीं होती, घर सरकार नीतियों की, उद्देश्यों की सरकार होती है। और यहाँ पब्लिक हेल्थ की संस्थाओं को स्थापित करना केंद्रीय सरकार की एक जिम्मेवारी रहती है, कहीं ना कहीं राज्यों में बहुत कमी है। मैं फिर भी कहूँगी कि स्कूलों में पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ इंडिकेटिव प्लानिंग की वजह से, सेक्टरल रीएलोकेशन की वजह से बहुत बढ़त हमने किया और उसमें सेंटर का एक ओवरसाइट में भी रोल रहा, लेकिन पब्लिक हेल्थ में जब तक केंद्र एक बड़ा नेता भी है, केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, एक बड़ा नेता भी है, उसको राज्य में नीतियां कैसी हो, एक चीज, इसी एक बात, एक बात, एक बात में जोड़ हेल्थ में एम्स बनाने से एक, सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। एक बात में बेसिकली रूरल पब्लिक को भी हेल्थ जानी चाहिए, तो इंश्योरेंस सरकार को एक बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर जो पे नहीं कर सकता उसको सरकार पे करे। लेकिन सब जो निकल कर बजट में आना होता था देश की राजधानी में, वो अलग अलग राज्यों में खुद उनके पास एक केंद्र रहेगा जहां वो जा सके। श्वेता, हम इसमें बजट के कुछ प्रावधानों की चर्चा कर लें, क्योंकि जिससे कि बहस को थोड़ा आधार मिल जाए। इस बजट में सोशल सिक्योरिटी की स्कीमों का एक बड़ा पैकेज आया है, जो वहां फिर डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन ये आ रहा है कि सरकार फंड ट्रांसफर और कैश ट्रांसफर की सरकार होगी। ये सरकार कैश ट्रांसफर करेगी और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस देगी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को शायद इसमें शामिल किया जाएगा आने वाले समय में, और आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को लेके के हेल्थ का इलाज कराने जाएंगे। ये और इसलिए वो 5 स्कीमों का एक पूरा पैकेज आया है सोशल सेक्टर में, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम भी है। तो ये एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है कि सरकार खुद अस्पताल बनाने के बजाय आपको बीमा दे रही है, आप जाके प्राइवेट सेक्टर में कराइए। नहीं, हमको लगता है इस चीज को और आगे ले जाइए। देवेंद्र जी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अगले 10 बरस में भारत में हर किसी के पास घर होगा, हर गांव तक अस्पताल और शिक्षा पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी। हमने इस बजट में एक चीज देखी, 2022 एक टारगेट लेकर चलिए तो सबके लिए घर आ रहा है, हर गांव में बिजली पहुंच रही है, स्वास्थ्य सेंटर पहुंच रहा है, हर गांव में कमोबेश एक अस्पताल खोलने की सोच है, गरीबी उन्मूलन पूरी तरीके से हो जाएगा 2022 तक। ये सारी परिस्थितियां क्या मानी जाए, ये टारगेट्स हैं, लेकिन इस टारगेट को लेकर जो बेसिक प्रॉब्लम, जो न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी इस दौर में, वो न्यूनतम की लड़ाई भी हमारी पूरी नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब कहेंगे कि साहब आप इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, फैक्ट है ये, इफेक्ट है, एजुकेशन के लिए नहीं है, फैक्ट है ये। प्रसून जी, एक हमारा जो एजुकेटेड क्लास है, जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको ये समझ आता है जो हम बता रहे हैं कि 2022 तक सबके पास मकान होगा, सबके पास बिजली होगी, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर होगा तो अच्छा होगा। लेकिन जो ऐसा आपने कहा कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उसके ऊपर हम सोचते हैं कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन हो जाएगा, या तब तक ये लोग जो हैं, जो जितना बेनिफिट जो प्राइवेट सेक्टर से या जो भी रिफॉर्म से मिलेगा उसके तहत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही है कि अगर 65-66 साल जितने भी आज़ादी को हो गए हैं, उसके बाद अगर आज 33-30 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, वो फंडामेंटल्स कैसे हम एड्रेस करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि देश में 58% किसान ही भूखे पेट सोते हैं, जो देश में पैदा करते हैं वही भूखे पेट सोते हैं, उनका जो बेसिक जो इशू है वो तो सर्वाइवल का है, रोजाना का,
वो हम कैसे एड्रेस करेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सारे इस ख्वाब में वो जो रियलिटीज़ हैं उसको हम भूल जाते हैं या अनदेखा करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप भी करना चाहते हैं तो आज उनके करिए जो जो रूरल इकोनॉमी को या जो जिस सेक्टर की हम बात करते हैं सोशल सेक्टर की उसके उसको एक तरह का इंजन। देवेंद्र जी मैसेज क्या है, हम उस दिशा में देख रहे हैं मैं आपसे या फिर वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट, अगर आप अलाउ करें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम उस रास्ते को बाईपास कर रहे हैं। हमको लग रहा है पॉइंट क्लियर करते चलिए। आप एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, अब जरा बेसिक्स बताइए, क्या हम ओवरलैप कर रहे हैं चीजों को इस बजट के जरिए, या जो हमारे जो विजन है वो ओवरलैप कर रहा है चीजों को, ऐसा लग रहा है आपको? एग्रीकल्चर में एक समय क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन का शेयर जो है एग्रीकल्चर का है, तो उसको जरा समझने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, कि लोग अक्सर सोचते हैं जैसे उन्होंने कहा कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होगा, अब ये लगता है बड़ा अच्छा कि होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो APMC मंडियां हैं, जो आज आप जानते हैं APMC एक्ट होता है, उसके तहत किसान वहां लाते हैं प्रोड्यूस को, किसानों की प्रोक्योरमेंट होती है वहां पर, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो APMC एक्ट भी पार्लियामेंट का है, उसको ख़त्म करने के लिए ऊपर एक नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल जो मार्केट आ रही है वो आ रही है। उसका मतलब क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है किसानों से वो हटा दी जाए, मार्केट खरीदे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 8% किसानों को प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलता है, 92% किसान तो वैसे मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर मार्केट इतनी दयाबान होती तो आज किसानों की हालत वो नहीं होती जो आज है, ये बड़ा स्पष्ट है इस बात से। दूसरी बात, चूंकि उसको इंडस्ट्री से भी जरा जोड़ना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि CII चलेंगे इसके बाद। 2022 वाला जो लक्ष्य है इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए, केवल आपके पास 7 साल है। अगर आप कल जो आया था रेल बजट वो देखें तो आपको 8.5 लाख करोड़ रुपए केवल रेलवे के लिए चाहिए। तो यह कहना कि 2022 तक आपके सबके सर पे छत दे देंगे, सारे गांवों में बिजली पहुंचा देंगे, इन लक्ष्यों को हमें लगता है कि इनके पीछे जब तक सही ढंग की फाइनेंसिंग प्लानिंग नहीं होगी, बैकेंड नहीं होगा, हमें ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है इन पे। इसलिए इस बजट को उस इंटेंशन पर देखना चाहिए जो इंटेंशन अगले 1 साल या 1.5 साल में डिलीवर किया जाए। चलिए पहले